ये सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि आज 2800 के ऊपर सस्टेन होके चल रहा है, हमने 2900 के भी लेवल स्ट्रेच होते हुए देख चुके हैं बिनौला खल के अंदर। रूपा जी, खबर है और ये जो खबरें निकल के आई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये सी के द्वारा दिए गए हैं कि साल के अंत होते होते खल का जो एक्सपोर्ट है, भारतीय खल का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो लगभग 50-51% डाउन बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक्सपोर्ट का कम होना और इंडस्ट्री की थोड़ी डिमांड निकल के सामने आना, ये बिनौला खल के लिए पॉजिटिव ट्रेंड लेकर आएगा या नेगेटिव? देखिए, छुटमुट करेक्शन आ सकती है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए, कॉटन के अंदर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी बाजार अपसाइड में है और एक्सपोर्ट फिसलते हैं तो थोड़ा बहुत देखिए इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी खासी फिलहाल निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अगर बिनौला कल गिरता भी है तो वही लेवल है 2600 नीचे में, जो पहले भी हाल फिलहाल में हमने देखे थे, वहां से सस्टेनेबिलिटी आई और मार्केट अब 2800-2850 के आसपास है। मुझे लगता है कि पहले 3000 का स्तर टच हो सकता है, उसके बाद जो है फिर से करेक्शन अगर बनती है तो वो 2600 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ है मार्केट अभी। मुझे लगता है बल्कि बिनौला खल ही एक ऐसी कमोडिटी है जो अपसाइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से बाकी सारी कमोडिटीज में गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, बिनौला खल एक बार पॉजिटिव हो सकता है। बिनौला खल के साथ साथ आप देखिए हल्दी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। हल्दी में भी कल के कंपेरिजन में पिछले जैसे एक्सपायरी हुई वायदा के अंदर उसमें भी तेजी बनी, लेकिन आज गिरावट है, ओवरऑल ट्रेंड उसका भी पॉजिटिव है और बिनौला खल भी फिलहाल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 3000 का स्तर जल्द ही देखने को मिल सकता है। जी,